गोपाल, आप लोग जानते हैं इसको, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था तो मैंने आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर की थी, इसकी जब ये जन्म लेके आया था। और अब ये एक महीने का हो गया है पूरे, और एक महीने का बच्चा आप सोचिए, मतलब बिन माँ के हो गया ये। आज इसकी माँ हम सबको छोड़ के चली गई है, और इसको देखकर हम लोगों को बहुत रोना आ रहा है सुबह से ही। आज इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे घर में कि आप लोगों को बताना, मैं मतलब कैसे बताऊँ, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा था। ये देखिए, ये है लक्ष्मी, मेरे गोपाल की माँ। आज सुबह 6 बजे का, मतलब ये सारा पूरा 6 बजे का कांड है जब मेरी लक्ष्मी के साथ ये हादसा हुआ है। मतलब 6 बजे लक्ष्मी घर में अंदर ही बंधी हुई थी, क्योंकि रात भर से बारिश बहुत तेज हो रही थी, और इसको थोड़ा सा खोला था कि जब तक ये बाहर थोड़ा घूम ले, इसके बाद गोपाल को बाहर लाके और इसकी करेंगे हम मिल्किंग। लेकिन ये पता नहीं कैसे ये सामने झांकी लगी हुई है। मैंने आप लोगों को भी बताया था कि हमारे मोहल्ले में सामने गणेश जी की झांकी लगी है, ये देखिए गणपति बप्पा की झांकी लगी हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कल बहुत ज़्यादा तेज करंट आ रहा था, तो इन लोगों ने सुधरवाया, जो भी करा पता नहीं, लेकिन आज सुबह भी वहाँ पे बिल्कुल ज़मीन पर एक तार डला हुआ था, और उसमें भी बहुत ज़्यादा तेज करंट आ रहा था। 6 बजे का कांड है फ्रेंड्स ये, 6 बजे का। सामने जो मतलब छोटी सी गली बचा के रखी हुई, वहीं से निकल के आ रही थी लक्ष्मी, और तार नीचे था। ये देखिए, यहाँ से डायरेक्ट इनने तार लेके रखा हुआ था, और तार ज़मीन पर था, क्या था समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों को कैसे लापरवाही की इन लोगों ने, कि मतलब आज हम लोगों ने इतना बड़ा हम लोगों के साथ हादसा हो गया है कि आज बिन माँ के हो गया है उसका बच्चा। ये देखिए, इतनी सीधी गाय थी फ्रेंड्स, इतनी सीधी कि हम लोगों ने सुबह से सब लोगों ने रो लिया है आज। पता नहीं आज कैसा दिन था, समझ नहीं आ रहा कि ये कभी सोचा नहीं था कि आज उठते से हमको इतनी बुरी खबर मिलेगी। और 2 पल नहीं लगे, मतलब हम लोग इतनी तेज आवाज़ लगाई लक्ष्मी ने, लेकिन हम लोग उस तक पहुंच भी नहीं पाए, और लक्ष्मी की जान चली गई, क्योंकि करंट बहुत तेज था, बहुत ज़्यादा। डायरेक्ट डोरी डली हुई थी, तो उस पर जो लक्ष्मी का पैर था ना, वो रखा गया, और यहीं पर बस सामने जो बस ये यहाँ पर ये जो लड़का खड़ा हुआ है ना, यहाँ से निकल के जा रही थी, और बस वहीं पर तार था अंदर, और वहाँ पे जैसे तार पे लात रखाया लक्ष्मी का, लक्ष्मी तड़फड़ा गई बिल्कुल। उसने इतनी तेज़ आवाज़ लगाई, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। जब तक उसके पास तक आए, तब तक लक्ष्मी ने अपने प्राण त्याग दिए फ्रेंड्स, क्योंकि करंट बहुत तेज़ लगा है, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं उसकी हालत, क्योंकि बस थोड़ा सा तड़पी हुई है, और अपने प्राण त्याग दिए उसने। और आज गोपाल हो गया है बिन माँ के, क्योंकि लक्ष्मी हमको छोड़कर चली गई है। क्या करें, सब बहुत रो रहे हैं, बहुत तकलीफ में हैं, क्योंकि लक्ष्मी बहुत अच्छी गाय है, बहुत सीधी गाय थी। और गौरी भी, ये देखिए गौरी भी तब से यहीं खड़ी हुई है, वो भी समझ रही है कि कुछ यहाँ पे हादसा हो चुका है। मतलब समझ नहीं आ रहा इन लोगों ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी, जब आपको पता करंट आ रहा है, बच्चे भी निकल रहे थे, बड़े बूढ़े सब लोग निकल रहे थे, लेकिन इन लोगों ने लाइट बंद नहीं की, और यहाँ पर बस आ गए हैं लक्ष्मी को ले जा रहे हैं। नगर पालिका फ़ोन लगा दिया होगा, तो मतलब वीडियो बहुत मुश्किल से बनाई है मैंने आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारे घर में क्या हादसा हो गया, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, जब मैं अच्छी बुरी बातें सब शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, अब लक्ष्मी जा रही है, हमेशा के लिए चली जाएगी, लक्ष्मी कभी नहीं देखेगी हमको।